अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रहे हैं तो जो सी अभी रिसेंटली एक्सरसाइज 3 आई है वह आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को पहले हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फ्रेंड्स, पहले आपने ये तमाम पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। योर सबमिटेड एक्सरसाइज विल नॉट बी कंसिडर्ड आर काउंटेड इफ़ आपकी एक्सरसाइज डिजी स्किल्स वालों ने अगर कंसिडर ना की तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, ये पॉइंट्स आपने पढ़ लेने हैं अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज आपने सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड में सॉल्व करके फिर डिजी स्किल की ऐप में जाकर सबमिट कर देना है। तो ये मेरे टास्क दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा हुआ है कि ये जो नीचे एज अ फ्रीलांसर जॉब्स दी हुई हैं 3 किस्म की, उनको आपने बताना है कि ये रियल हैं या फेक हैं। सिर्फ आपने सिंपल सा जवाब देना है पहले वाले क्वेश्चन में, और जो सेकंड वाला है उसमें आपने 3 रीजंस भी देनी है कि अगर आपकी जॉब रियल है या फेक है तो वो किस वजह से है। तो फ्रेंड्स, पहले आपने कॉपी कर लेना है तमाम क्वेश्चंस को और उसको MS वर्ड में जाकर इस तरीके से पेस्ट करके सेटिंग कर लेनी है, और कलर वगैरह भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जॉब 1 की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं कि वो रियल है या फेक है। तो सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि आपने सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाई है या नहीं है। सबसे मेन चीज़ रियल और फेक चेक करने की तो यही है कि आप पेमेंट मेथड सबसे पहले चेक करें। आप ये देख सकते हैं कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड के आगे क्वेश्चन मार्क डला हुआ है, इसका मतलब यह है कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है। और अब हम टाइटल की तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि टाइटल की ठीक तरीके से अंग्रेज़ी भी नहीं लिखी हुई, कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि लोगो डिज़ाइनर्स एंड जनरल फ्रीलांसर्स रिक्वायर्ड ए ह्यूज नंबर्स, इस तरीके से लिखा होना चाहिए था। फ्रेंड्स, ये टाइटल में लोगो डिज़ाइनर के बारे में बात हो रही है, और जबकि डिस्क्रिप्शन में स्मॉल प्रोजेक्ट ऑफ क्रिप्टो लॉन्च करने की बात हो रही है, डिस्क्रिप्शन टाइटल के अकॉर्डिंग नहीं है। और देख सकते हैं आप लोग कि इन्होंने ऊपर $500 लिखे हुए हैं कि वो $500 पे करेंगे, और जबकि नीचे $800 लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट भी गलत है। इसके अलावा इन्होंने 3 जॉब पोस्ट की हुई हैं और किसी एक को भी इन्होंने हायर नहीं किया, और उन्होंने क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर भी नहीं दिया हुआ, तो वो पैसे कैसे दे सकते हैं। साफ जाहिर होता है कि ये जॉब फेक है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर लिखेंगे फेक प्रोजेक्ट। और साथ ही हम रीज़न भी दे देंगे। पहली रीज़न तो ये है कि द पेमेंट मेथड इज़ नॉट वेरीफाइड एंड इट शोज डाटा सेलर इज स्पैम एंड द प्रोजेक्ट इज फेक। सेकंड पॉइंट बनता है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो अकॉर्डिंग टू टाइटल नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी ये बात नोट की होगी कि डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो का एक स्मॉल प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात हुई हुई है, जबकि टाइटल में लोगो डिज़ाइनर के बारे में बात की हुई है, तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन टाइटल के अकॉर्डिंग नहीं है, यह आपने सेकंड पॉइंट में लिख देना। और फ्रेंड्स, थर्ड रीज़न में आप ये लिख सकते हैं कि 3 जॉब्स पोस्टेड एंड हायर रेट इज़ 0 विच शोज डैट द प्रोजेक्ट इज़ फेक। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही रीज़न लिखनी है, आप अपनी मर्ज़ी से जॉब 1 की तमाम डिस्क्रिप्शन, टाइटल और तमाम पॉइंट्स को रीड करके
कोई भी रीजन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम जॉब टू की तरफ जाते हैं। तो जॉब टू में भी हमने सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि पेमेंट मेथड वेरीफाई है या नहीं। फ्रेंड्स ये देखें, पेमेंट मेथड वेरीफाइड के साथ टिक का निशान डला हुआ है और इनके रिव्यूज़ भी काफ़ी सारे हैं और हायर रेट 92% है और 1000 से ज़्यादा उन्होंने जॉब्स पोस्ट की हुई हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जॉब रियल है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना है। इनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी सब रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। इसके बाद आपने जॉब टू में लिख देना है कि ये रियल प्रोजेक्ट है। और साथ ही में रीज़न भी दे देने हैं। पहली रीज़न तो आपने ये दे देनी है कि द पेमेंट मेथड इज़ वेरीफाइड, और दूसरी रीज़न आपने दे देनी है द हायर रेट इज़ 92% कोमा 1000 अबव जॉब पोस्टेड सो द सेलर इज सेटिस्फाइंग। ये भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सो द सेलर इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। और थर्ड रीज़न में आप ये लिख सकते हैं कि जो टाइटल डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट लिंक है आर गिवन फॉर एसईओ वर्क लुक्स रियल, यानी कि टाइटल डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट्स और वेबसाइट लिंक जो है वो बिल्कुल सही है और सब कुछ एसईओ वर्क के मुताबिक है। इन दिस प्रोजेक्ट द सेलर हैज़ गिवन ऑल रियल इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम जॉब थ्री की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं कि वो रियल है या फेक है। तो सबसे पहले हमने पेमेंट मेथड चेक करना है। तो फ्रेंड्स पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है और आप टाइटल देख सकते हैं न्यू साइट नीड्स पीपल साइंड अप, और डिस्क्रिप्शन में भी इन्होंने साइन अप के बारे में जिक्र किया हुआ है। फ्रेंड्स ये कह रहे हैं आप वेबसाइट पर जाओ और साइन अप करो, तो जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये ऐसी फेक वेबसाइट है और ये जॉब भी फेक है। तो फ्रेंड्स ये जॉब फेक है। तो पहले पार्ट में आपने लिख देना है कि पेमेंट मेथड इज़ नॉट वेरीफाइड, और दूसरा रीज़न आपने दे देना है कि 3 जॉब्स पोस्टेड हायर रेट इज़ 0 एंड प्रोफाइल इज़ टोटली न्यू। आगे हमने लिख देना है व्हाइल द प्रोजेक्ट इज़ नॉट कन्विंसिंग फॉर ए फ्रीलांसर, ये प्रोजेक्ट कभी भी फ्रीलांसर को कन्विंस नहीं कर सकता। थर्ड पार्ट में मैं ये रीज़न दे रही हूँ कि जॉब टाइटल इज़ नॉट लुकिंग रियल। इन दिस प्रोजेक्ट आस्किंग फॉर साइन अप इन एडवांस एंड वांट एज मच एज साइन अप वी कैन विद एडवांस पेमेंट। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने एक्सरसाइज किस तरीके से सॉल्व करनी है। इसके अलावा आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखना है, आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं। जॉब थ्री की तमाम डिस्क्रिप्शन टाइटल को पढ़कर रीड करके अच्छे तरीके से कोई भी रीज़न दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह आपसे फिर कभी किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।